हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गगन है और मैं मार्वल सॉफ्ट कंपनी से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको हमारी कंपनी के सॉफ्टवेयर ज्वेलरी एडमिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ज्वेलरी एडमिन बेसिकली ज्वेलरी शॉप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अपने ज्वेलरी के सॉफ्टवेयर के सारे के थ्रू आप अपने जो भी ज्वेल्स के मटेरियल्स हैं वो आप सेल कर सकते हैं और फिर फाइनली आप चेक कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सारे ऐड कर सकते हैं, अपने सारे स्टॉक्स को मैनेज कर सकते हैं, जो भी सेल्स होती है उसके सारे रिकॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं, SMS भेज सकते हैं, स्कीम्स वगैरह सब कारीगर वगैरह। तो चलिए ऐसे करते हैं, मॉड्यूल में सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं और चेक करते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल हैं और कैसे इनकी वर्किंग होती है। तो बेसिकली ये है हमारा सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड, ये हमारा मार्वल सॉफ्ट ने डिज़ाइन किया है ज्वेलरी सॉफ्टवेयर, और मल्टीपल बहुत कस्टमर्स हैं हमारे जो ज्वेलरी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमारे लॉगिन पेज में आप जाएंगे, एडमिन से लॉगिन करेंगे हम लोग। ये है हमारा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि कितना सेल्स हुआ है कितना मंथ में, सेल्स इन द मंथ ऑफ फरवरी, सेल्स और प्रोडक्ट टाइप फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, और ये सारे आपको सेल्स वाइज अकॉर्डिंग सारा अमाउंट पता चल जाएगा कि एडवांस अमाउंट कितना पे किया गया, अपने स्कीम का अमाउंट कितना है, सेल्स का अमाउंट कितना है, या फिर अगर प्रोडक्ट टाइप से आप देखना चाहेंगे 24K का कितना सोल्ड आउट हुआ है, 22K का कितना सोल्ड हुआ है, 18K का, अगर कोई सिल्वर आइटम सेल हुआ तो सिल्वर आइटम कितना सेल हुआ है, ये आपको सारा अमाउंट के थ्रू पता चल जाता है। अगर आप ग्राम में चेक करना चाहते हैं तो 24K कितना ग्राम में सेल हुआ, 35 grams, 22K कितना ग्राम में सेल हुआ, सारा कुछ। अगर वैट है तो वैट कितना लास्ट में 3 months का वैट आपको दिखाएगा, यहाँ पे जनवरी कितना हुआ, फरवरी कितना हुआ, लास्ट में दिसंबर कितना पेड हुआ। उसके बाद ये आपको यहाँ पे और भी ग्राफ के थ्रू डेटा मिल जाता है, जैसे प्रोडक्ट रेट फॉर मंथ, किस किस प्रोडक्ट में कितना कितना हर मंथ में कितना कितना प्रोडक्ट आपका वेरी कर रहा है, कितना डेटा सोल्ड हुआ है। अगर आपको सेल्स देखनी है तो ब्लू कलर में आपको सेल्स दिखेगा और ऑरेंज कलर में आपको एडवांस अमाउंट दिखेगा और इसमें स्कीम का अमाउंट आपको पता चलेगा। फिर आपको सेल डेटा ऑन द प्रोडक्ट टाइप देखना है तो ब्लू 24K का कितना सोल्ड हुआ है, सेल हुआ है, और आपको अगर एडवांस अमाउंट देखना है या कोई भी आपको सेल देखनी है, सिल्वर आइटम वगैरह सारे आपको यहाँ पे सेल के थ्रू पता चल जाएगा। फिर है प्रोडक्ट टाइप गोल्ड इन ग्राम्स, कितना प्रोडक्ट टाइप ग्राम्स में सेल हुआ है, अगर 24K के अंदर आप देख सकते हैं 35 grams आपको इसमें आपको 24K में सेल हुआ, क्योंकि ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है 24K। अगर आपको ये ऑरेंज कलर मिले 22K आपका सिर्फ 1 gram सेल हुआ है। तो इस तरीके से आपको सारा डेटा पता चल जाता है। फिर अब इसमें और भी फीचर्स क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, कैसे वर्किंग होती है, तो चलिए आप देखते हैं। आज मैं आपको वीडियो में आपको सेल्स और प्रोडक्ट मॉड्यूल के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, बाकी आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी वीडियो आपको पता और भी आपके जो मॉड्यूल्स के बारे में उनकी वर्किंग कैसे है, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, सारा आपको पता चलेगा। तो हमारे में सबसे पहले आप देख सकते हैं सेल्स मॉड्यूल है, प्रोडक्ट मॉड्यूल है, परचेज मॉड्यूल है, स्कीम्स मॉड्यूल, कारीगर, रिफाइनरी, रिपोर्ट्स और पॉन ब्रोकिंग एंड एक्सपेंसेस। तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं जिसके थ्रू आपका अपना ज्वेल का सॉफ्टवेयर जो भी है इसके थ्रू अपने ज्वेलरी में शॉप को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, सारे रिकॉर्ड्स अप टू डेट कर सकते हैं, सारे रिकॉर्ड्स को कभी भी चेक कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपको इसमें, तो सारा आपका डेटा मेंटेन अच्छे से रहता है, बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है आपके पास। जो काम आप 4-5 घंटे में करेंगे वो इसके थ्रू आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में आपको सारा डेटा मिल जाएगा। तो अब इसमें शुरुआत करते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या मॉड्यूल में कैसे सॉफ्टवेयर वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप मॉर्निंग में सुबह आएंगे अपने शॉप पे, सबसे पहले आपको रेट का सेट करना होता है, 24K का सेट करना होता है, 22K का सेट करना होता है, सारे आपको रेट सेट करने होते हैं। तो जब भी आपका रेट सेट होगा, मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया 24K का 3000 rupees, तो जैसे ही आप 3000 rupees सेट करेंगे 24K का, आपको ऑटोमेटिकली 22K का आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, 18K गोल्ड का आपको ऑटोमेटिक रेट, ये डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर में आपको ऑटोमेटिक प्राइस आपको 22 और 18K का मिल जाएगा। फिर अगर जैसे आप सिल्वर का वगैरह सेट करेंगे तो सिल्वर ऑर्नामेंट का सेट करेंगे तो सारा प्राइस आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। फिर सर चलिए सर हम प्रोडक्ट मॉड्यूल में चेक करते हैं कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, फिर देखेंगे कि सेल्स कैसे हम कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट मॉड्यूल में आप जैसे ही जाएंगे आपको मल्टीपल थिंग्स मिलेंगी यहाँ पे, प्रोडक्ट रेट, प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको प्रोडक्ट टाइप ऐड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट टाइप में जैसे 24K का गोल्ड है, 22K का गोल्ड, 18K का गोल्ड है, आपको यहाँ पे सारा नेम वगैरह डालना है, प्योरिटी ऐड करनी है और क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ऐसे तरीके से आप सारे प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। बस आपके प्रोडक्ट टाइप ऐड हो गया, फिर आपको कैटेगरी ऐड करनी पड़ती है। कैटेगरी मीन्स लाइक कि आपको चेन ऐड करनी है, रिंग ऐड करनी है, नेकलेस ऐड करने हैं, बैंगल्स हैं, टॉप्स हैं, झुमकी वगैरह है, कॉइन्स वगैरह है, तो आप यहाँ पे सारी कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। आप सब यहाँ पे अपने नेम एंटर करिए, जो भी आपका नेम है, और फाइनली आप
क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, कोई भी कैटेगरी आपकी क्रिएट हो जाएगी। फिर क्रिएटिंग के सब कैटेगरी, सब कैटेगरी मीन्स लाइक कैटेगरीज के अंदर जैसे सो की सब कैटेगरी है, जैसे चेन्स के अंदर या फिर कोई नेकलेस के अंदर आपको कोई सब कैटेगरीज आपने बनानी है। जैसे नेकलेस के अंदर यहाँ पे मैंने दो बना रखी है, तो डिज़ाइनर नेकलेस या स्टोन नेकलेस, तो यहाँ पे मैंने कोई भी कैटेगरी का नाम दिया और वो किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और फाइनली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे मॉड्यूल मिलेंगे, आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, पीडीएफ भी ऑप्शन मिलेगा, सब जगह आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप कभी भी अपने कोई भी डेटा को एक्सपोर्ट करके एक्सेल फाइल में सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। फाइनली जब सब कैटेगरी ऐड हो गई तो आप जाते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में आप अपने यहाँ पे सारे प्रोडक्ट ऐड करते हैं जो भी आपके, फाइनली जब आपने कैटेगरी सब कैटेगरी एक ही बार का ऐड करने का है, जब बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग में आपको ऐड करना होता है, बार बार आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने देख सकते कोड आएगा एक आपको ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है कोड, ये आपको हर आपके हर प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट कोड देता रहता है ताकि आपको ट्रैक करने में आसानी हो कि कौन सा प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हैं। कारीगर का कोई अगर नाम आपने ऐड कर रखा है, कारीगर कोई ऐड कर रखा है तो कारीगर भी आप ऐड कर सकते हैं, अगर कोई भी कारीगर नहीं है तो आप रह सकते हैं। कोई नेम अगर प्रोडक्ट का नेम है आपको ऐड करना, जैसे आपको मैं एडिट करके दिखा देता हूँ, सपोज़ यही प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कोड है 2999, नेम मैंने वाइट स्टोन दे रखा है, कितना वेट है, कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, कौन सी सब कैटेगरी में बिलोंग करता है, फिर प्रोडक्ट टाइप कितना 24K है कि 22K है, मेकिंग पर ग्राम में वेस्ट चार्जेस कितना। अगर आप यहाँ पे टिक लगा देंगे तो आप यहाँ पे अमाउंट में एंटर कर सकते हैं, टिक हटा देंगे तो परसेंटेज में एंटर कर सकते हैं। फिर वेस्ट अमाउंट इन परसेंटेज है, आप कितना परसेंटेज है वेस्ट हो रहा है, ग्राम में कितना आपको एडिट हो रहा है। अगर कोई हॉलमार्क चार्जेस आप लेते हैं तो हॉलमार्क चार्जेस भी आप दे सकते हैं, टिक लगाने पर कितना भी अमाउंट आप एंटर कर सकते हैं। फाइनली आपको अपडेट करना है तो आपको जो भी आपको अगर कोई और स्टोन की डिटेल्स है लाइक जैसे कि आपको कोई रिंग है उसमें आपको स्टोन है एडिड है तो आप स्टोन का वेट भी ऐड कर सकते हैं, स्टोन का कोई टाइप अगर कोई है स्टोन टाइप ऐड कर सकते हैं, कितना साइज़ में, कितने नंबर ऑफ़ पीसेज है, क्या चार्जेस है, नंबर ऑफ़ कैरेट्स में कितना है। फिर ये एक्सचेंज प्रोडक्ट है कि अगर सेल होने के बाद एक्सचेंजेबल है कि नहीं है। फीचर प्रोडक्ट है जैसे क्योंकि हमारी फीचर प्रोडक्ट मीन्स लाइक हमारे पास इसकी ज्वेलरी सॉफ्टवेयर की ऐप्स भी हैं जिसमें आप अपना फीचर प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको ऐप्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से आपके कस्टमर्स जो है ऐप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा फीचर प्रोडक्ट है कौन सा नहीं है। तो बहुत ही अगर कोई यूनिक फीचर जो आपकी शॉप्स ने बनाया है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप फीचर करके उन्हें दिखा सकते हैं अपने कस्टमर्स को। फिर जीरो प्रोडक्ट है जैसे नंबर ऑफ़ पीसेज वगैरह ऐड कर लूँगा तो ये सब हमारी चीज़ में है। कोई इमेज आप कैप्चर करना चाहते हैं तो इमेज भी आप कैप्चर कर सकते हैं, फाइनली चूज़ कर सकते हैं और इमेज को कैप्चर करके अपडेट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप प्रिंट भी कर सकते हैं अपनी ये सारे। तो इस तरीके से आप अपने सारे प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, सारे प्रोडक्ट आपके ऐड हो जाएंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं, जितने प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहें, कभी भी किसी प्रोडक्ट को आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं और नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहें नया प्रोडक्ट ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सारे प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे। बस आपने प्रोडक्ट सारे ऐड कर लिए, फिर प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आपको करना होता है सेल। हाँ, एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भी एक्सपोर्ट और पीडीएफ ऑप्शन है तो आप अपने एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कभी पॉइंट ऑफ टाइम पे और पीडीएफ में भी सेव करके अपने सिस्टम में रख सकते हैं। फिर जब आपका प्रोडक्ट सेल हो गया आप अपने सेल्स मेन्यू में जाएंगे हमेशा सेल करने के लिए। तो प्रोडक्ट मॉड्यूल में आपको सिर्फ वन टाइम काम होता है जिसमें कि आपने अपने प्रोडक्ट को भी ऐड करना, आपने एक बार कैटेगरी सब कैटेगरी वगैरह ऐड कर ली तो आपको दोबारा सब कैटेगरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोडक्ट ऐड करने की ज़रूरत है। आपका जब भी एक चीज़ और आप अपने स्टॉक को ऐड कर देते हैं, एक बार 10 स्टॉक आपने ऐड कर दिए, जब भी आप सेल करते हैं ऑटोमेटिकली स्टॉक डिक्रीज होता चला जाता है और जैसे ही स्टॉक जीरो हो जाएगा आपको बता देगा कि आउट ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये थी प्रोडक्ट मॉड्यूल के बारे में। अब सेल्स मॉड्यूल के बारे में, सेल्स मॉड्यूल पे आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको विंडो मिल जाएगी जहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा रिलेटेड टू आपको सेलिंग के लिए। तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर सर्च के अपने प्रोडक्ट, कोई कस्टमर है आपका अगर आपके फ़ोन नंबर ऐड करके तो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है आपको कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर नया कस्टमर अगर तो आप यहाँ पे अपना कस्टमर का नाम दे सकते हैं या फ़ोन नंबर से सर्च कर सकते हैं। तो 8150951234 में नाम दे देता हूँ और एड्रेस दे देता हूँ चंद्रा जी। तो ये आपको यहाँ पे सारा आपको डिटेल मिल जाएगा। फिर आपको वो पर्टिकुलर पर्सन आपको कौन सा प्रोडक्ट परचेज करने आएगा, प्रोडक्ट आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो आप ऑलरेडी सर्च कर सकते हैं अपने कोई भी जो भी आपने ईयर रिंग्स चेन वगैरह ऐड कर रखी है। तो मैंने कोई ईयर रिंग ले ली, ऑटोमेटिकली मेरे पास नीचे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आइटम कोड क्या है, ईयर टी पीसेज मेरे पास 4 अवेलेबल है, अगर मेरे को वो सिर्फ वन पीसेज लेना चाहता तो वन पीसेज का ले लिया मैंने और सारा आपको
आइटम वेट, स्टोन वेट आपको एडिट करने का ऑप्शन है इसमें सारा। आप सारा यहाँ पे टोटल वेस्टेज चार्जेस वगैरह देख सकते हैं, टोटल कितना, टोटल मेकिंग चार्जेस, स्टोन चार्जेस कितना है और टोटल स्टोन चार्जेस आइटम का अमाउंट कितना है, सारा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आपको सीपीयू से सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपको फिर आपको यहाँ पे अगर कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है, इनवॉइस नंबर, नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो प्लस प्रोडक्ट पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं, अगर सपोज आपको वहाँ से नहीं ऐड करना तो शॉर्टकट है ये, यहाँ से अपने सारे प्रोडक्ट को ऐड कर लीजिए और फाइनली क्रिएट कर दीजिए। तो यहाँ से भी वो जब जैसे आप क्रिएट करेंगे आपको इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो जाएगा और आपको यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। ये फिर जैसे ही आप यहाँ पे अपना सारा इन्फॉर्मेशन डाल के ऐड करेंगे और फाइनली सेल करेंगे तो आपको आपको मैसेज आएगा सेल्स एडिट सक्सेसफुली, कस्टमर एड सक्सेसफुली। कस्टमर क्योंकि मैंने नया ऐड किया इसलिए कस्टमर नया ऐड हुआ है, अगर मैं पुराना ही सर्च करता तो फिर आपको मैसेज नहीं आता एडिट का। फिर फाइनली आपने जब आपने सेल कर दिया, आपने प्रिंट रिसिप्ट पे आपको क्लिक करना होगा और आपकी रिसिप्ट प्रिंट होगी। ये रिसिप्ट जो भी आपकी मॉडिफाइएबल है तो आप यहाँ पे अपने अपने अगर रिसिप्ट आपको और चेंज कराना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट वगैरह मिल जाएगी, कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, क्या इसने परचेज़ किया है, कितना परचेज़ किया है, सारी इन्फॉर्मेशन, कोई डिस्काउंट वगैरह दिया है, आपने वैट कितना लिया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कितना कैश उसने पे किया है। फिर आपके जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी आप फाइनली यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी करके अपने पास रख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट्स, ये है आपकी सेल्स की रिपोर्ट जो आपकी मॉडिफाइबल है। तो अगर आप अगर मुझसे उनसे मार्वलसॉफ्ट से बोलेंगे थोड़ा चेंज वेंज करने के लिए तो ये चेंज भी हो सकती है। अब आपने पहले देखा होगा अभी वीडियो में आपको 2 मिनट पहले इन्वॉइस नंबर आता था 19, तो आप 19 मैंने ऑलरेडी सेल कर दिया है तो अब इन्वॉइस नंबर 20, ये ऑटोमेटिक यूनिक नंबर है हर रिसिप्ट के लिए और आपका जैसे जैसे आप सेल करते रहेंगे आपकी इन्वॉइस नंबर इंक्रीज होती रहेगी। तो इस तरीके से आप अपने सेल्स भी कर सकते हैं। फिर लास्टली आपको अगर आपने अपने सेल कर देते हैं तो फिर आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाके अपने रिपोर्ट्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं सेल्स मॉड्यूल की, कितना सेल्स हुआ है, कितना सब कुछ है। तो कस्टमर इस तरीके से आपको प्रोडक्ट एंड सेल्स मॉड्यूल आपको इस तरीके से बेनिफिट है तो आपको बहुत ही काम ईजी हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि ये हमारा इजी है और इसमें आप वर्क आराम से कर सकते हैं, पेमेंट सारा इजी आप ट्रैक कर सकते हैं तो प्लीज़ हमारे मार्वलसॉफ्ट से कांटेक्ट करिए। हमारे कांटेक्ट नंबर आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे देखने को 8150951234 या फिर लैंडलाइन नंबर है 8080495124। अगर आप हमने मेल ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं support@marvelsoft.co.in पे, support@marvelsoft.co.in पे। आप प्लीज़ डेट करिए, डेमो की लीजिए और अपने प्लीज़ अपने ज्वेलरी वर्क को सारा सिंप्लीफाई करिए। दिस इज़ गगन अगेन, थैंक यू वेरी मच।